changes that we brought in. All the rules have been, but my agency did not. I'm the idea. The share the city part of the way. और जितनी गंदी आदतें हैं उनसे भी सफाई सुथराई होगी। शेर की दो सूरतें हैं, एक शेर जात में होता है और एक शेर सिफात में होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की जात में शिर्क करते हैं, वो कई खुदा मानते हैं, जो मुसाफिर माबूद और खुदाओं के कायल हैं, वो अल्लाह ताला की जात में शिर्क करते हैं, शरीक ठहराते हैं। مسلمان آپ کے لائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی ذات بنا تن تنا ہے، ساری کمیوں سے پاک ہے، سارے کمالات سے بھرپور ہے، تن تنا ہو کر نہ وہاں کوئی کمزوری ہے نہ وہاں کوئی ضعف ہے، ہر طرح کی طاقت سے بھرپور ہے۔ دنیا بار شری کبھی ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے، دنیا کی تھوڑی تھوڑی لمد و رفتار بھی بتاتی رہتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں بھی دل و دھڑ کٹاتی رہتی ہے۔ سورج کا نکالنا، مشرق سے ہمارے میں چبا دینا، کبھی دن بنا دینا کبھی رات بنا دینا، کبھی بادلوں کو لہرانا کبھی ہٹا دینا، کبھی ہواؤں کو چلا دینا کبھی روک دینا، کسی علاقے میں ہواؤں کو تیز بنا دینا کسی کو کم کر دینا، کبھی چاند کو چھپا دینا کبھی چاند کو نکال دینا، کبھی پہاڑ بنا خشکی ہے تو کہیں تری ہے۔ ان ہمیں حق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لا يقيدون الالباب۔ سمے ہمارا شعور بیدار نہیں، ہم سوچتے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو ذات میں شرک کرتے ہیں، اللہ کو تو یہ مانتا ہے مگر اللہ کی صفات میں شریک ہے آپ۔ کچھ اور ایسی ہستیاں بنا رکھی ہیں کہ جن کو وہ قادر مطلق سمجھتا ہے کہ یہ بھی وہ ہے جو چاہے کر دیتا ہے، یہ بھی وہ ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے، معلوم ہے وہ شہادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات خاص صاحب کو دوسروں میں ثابت کرنا، اس صفات میں شرک کرنا، جو ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں نہ ان کی معافی ہے، جو صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو نہ اس کی معافی ہے۔ جو اپنے دل کو شرک سے پاک کر لے اس کی معافی ہو، اس کو کامیابی نہیں۔ اسی طرح جتنی حیات آ جاتے ہیں تکبر، غرور، حسد، کرود، تعصب، کینہ، ان تمام کو اپنے دلوں سے پاک کرنا،
किस्मत मानी आई है अल्लाह ताला ने पसंद जो अपने नस्लों को गंदगियों से पाक कर देगा उसको कामयाब बनाएगा। अरे ये रूहानी बीमारियां हैं जिस तरह जिस्मानी बीमारी होती है नजर जुकाम बुखार इसी तरह ये असर रूप तासुब की नाकाम और गुरूर ये रूहानी बीमारियां होती हैं। इनके बहुत सारे इलाज हैं जिस तरह बहुत सारी बीमारियां हैं। एक बहुत अहम इलाज नमाज है इन सलात पढ़ना वाशा पढ़ना आसान भी है नमाज पढ़ना खराब भी नमाज पढ़ सकता है इसका सीखना भी आसान है इसका पढ़ना भी आसान है इसके लिए वक्त निकालना भी आसान है तो इसके जरिए अपना इलाज करना बहुत आसान काम है। लेकिन नमाज नमाज बढ़िया हो नमाज पूरी हो अपना ज्यादा करो जो नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ ही नहीं रहे जो नमाज पढ़ते हैं कितने ऐसे होंगे जो उन्होंने ईशा में 17 रकात पढ़ी होंगे। रमजान का महीना चल रहा है मुबारक महीना चल रहा है ऐसे मुबारक महीने में भी मुश्किल से कुछ निकलेंगे जो ईशा की 17 रकात पढ़ते होंगे। काम तो तारीफ दी गई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाजें पढ़ते थे इतनी नमाजें पढ़ते थे पैर सुन जाते थे। अगर शेख रहमत रहमतुल्लाह अलैह हाफिज भी नहीं थे मगर हाफिज बदलते रहते थे सुनाने वाले और पूरी रात खड़े रहते थे पैर सुन जाते थे इसलिए उनकी इस्लामी यहाँ तो जो नमाज पढ़ने आए हैं कितने देख लेना अभी जुमा पढ़ेंगे जुमा में सलाम देने का काम शुरू हो जाना चलना पहले बच्चे चले तो फिर नौजवान चले जैसे जुमे के बाद कोई सुन्नत भी ना हो। सबसे बढ़िया करना मस्जिद मस्जिद में जी करना नमाज के दर की इसरा होती पता नहीं कितनी जिस्मानी बीमारियां भी दूर होती है जब नमाज बढ़िया पढ़ी जाती है। इक्यावन सुन्नत के मुताबिक तमाम वाजिबात अरकान फराइज की रियायत करते हुए तहारत वजू बढ़िया बने गुस्ल बढ़िया बने और भी बढ़िया नमाज पढ़े तो कितनी रूहानी जो बीमारी हो रही जिस्मानी बीमारी भी खत्म हो जाती है। कितने रजाई दूर हो गए हैं जिन पर अल्लाह पाक ने कामयाबी बताई कदम जिस तरह कपड़ा गंदा होता है आप कितना भी कपड़े को बचाएं चाहे एयर कंडीशन के अंदर बैठे रहें चाहे आप एसी के अंदर बैठे रहें लेकिन कपड़े मुतासिर होते जरूर हैं। उनको भी निकालना पड़ता है उनको भी वॉशिंग मशीन में डालना पड़ता है उनको भी मसाला में डालना पड़ता है उनको भी साफ करना पड़ता है उन पर भी घर का प्रेस चलानी पड़ती है तब वो कहीं जाकर पहनने के काबिल बन गए। इसी तरह नफ्स भी गंदा हो जाता है इसी तरह दिल पर भी गुबार पहुंचता है कि हसद का गुबार है कि गीना का गुबार है कि रूफ का कि तकबर का कि गुरूर का ये गुबार पहुंचते जरूर है दिल में। मैं यह सहत करने फरमाते हैं मैं जाकिर की जमात के साथ गवार की इज्तिमा में जाता हूं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दिल का गुबार आ जाता है। अल्लाह हुआ तो अंदाजा लगाओ नौ नंदी फिल्मों का जमाना था नौ नंदी गानों का जमाना था नौ नंदे गानों का जमाना आज तो किसी गली को निकल जाए एक गाने के बाद रुकने की कोशिश शुरू हो जाती है कोई इधर से गाली दे रहा कोई इधर से गाली दे रहा एक तो उसकी माँ खड़ी है एक उसकी बहन खड़ी है और कहीं माँ को नंदी कर रहा कहीं बेटी को नंदी कर रहा ये सारे गुब्बार अंदर में पहुंचते हैं ये दिल पे जंग पहुंच रहे हैं नंदी गाली दे रहा रमजान के अंदर भी भैंस को गाली दे रहा भैंसे को गाली दे रहा जानवरों को गाली दे रहा आदमियों को गाली दे रहा ये सब संग पहुंच रहे हैं गुमान पहुंच रहे हैं अंदर में और साफ करने का कोई तस्कर नहीं जान रहे हैं दिल पाक जन्नत जो है वो पाक साफ जगह है वो ऐसी जगह नहीं
कि जहां ऐसा दिन चला जाए जिस दिन का हाल यह है कि अपने दुख से परेशान नहीं दूसरे के सुख से परेशान। वैसी जानी है जन्नत, जन्नत ऐसी जगह है वहां मराठी होंगे और दर्जा तो मिलने कर लो, दाखला तो ईमान पर होगा और मराठी तो आमान पर मिलेगी, सबको बराबर नहीं किया जाएगा। एक रात में हजरत ना रो रहा है, एक दिन में सिर्फ पांच नमाजें पढ़ता है, एक पांच नमाजें पढ़ता है रात को भी रोता है, एक नमाज नहीं पढ़ता है, एक नमाज पढ़ता है, ईमान के साथ जो चला गया दाखला तो हो जाएगा, लेकिन जन्नत के अंदर मराठी है, मराठी मिलेंगे आमान के मुताबिक, जन्नत मिलेगी ईमान से और मराठी मिलेंगे आमान से। तो वहां छोटे दर्जा दर्जे वाला भी बड़े दर्जे वाले को देखकर हसद नहीं करना, खुश होगा से इन शिल्पिया से इन विधान से इन